दोस्तों आज आप एक छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी पढ़ेंगे। कहानी भले ही छोटी है लेकिन इससे जो सीख मिलती है वह बहुत बड़ी है और जीवन में बहुत उपयोगी है। इसलिए दोस्तों कहानी को अंत तक पूरा जरूर पढ़ें। ये बहुत समृद्ध और सुखी राज्य था। इस राज्य के राजा बड़े ही साफ दिल, सेवाभावी और ईश्वर में अटूट आस्था रखने वाले थे। राजा के पास किसी वस्तु की कमी नहीं थी। राज्य के सभी लोग राजा से बहुत प्यार करते थे और एक आदेश की तरह उनकी हर बात का पालन करते थे। फिर भी जैसे जैसे राजा बूढ़ा होता जा रहा था वह उदास रहने लगा। राजा के दैख का कारण ये था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। हालांकि राजा की एक बेटी थी जो बड़ी हो गई थी और अब राजा उसकी शादी करने की सोच रहा था। राजा वृद्धावस्था में संन्यास लेकर प्रभु की भक्ति करना चाहता था लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि राज्य की बागडोर किसे सौंपी जाए। एक रात इसी चिंता में राजा बहुत देर तक भगवान का नाम जपते जपते सो गया। उस रात राजा को सपने में भगवान के दर्शन हुए और उसे अपनी सारी समस्याओं का समाधान मिल गया। सुबह उठते ही राजा ने बड़े प्रसन्न मन से सभा बुलाई और घोषणा की कि जो भी व्यक्ति उसके महल के द्वार पर आएगा वह राजकुमारी से विवाह करेगा और उसे राज्य का राजा घोषित कर दिया जाएगा। राजा की ओर से ऐसी विचित्र घोषणा सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग अचंभित रह गए। लेकिन सभी जानते थे कि राजा बिना बोले ऐसी मूर्खता नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने राजा से ऐसा करने का कारण पूछा। जब राजा ने सबको अपने रात्रि के स्वप्न के बारे में बताया तो सबकी शंका दूर हो गई। राजा की घोषणा का तुरंत पालन किया गया और कुछ ही समय बाद सैनिक गंदे पुराने कपड़े पहने एक युवक को सभा में ले आए। राजा की घोषणा के अनुसार गरीब को राजा बना दिया गया, उसका विवाह भी राजकुमारी से कर दिया गया। थोड़े ही दिनों में राजा ने उसे ढूंढ लिया, सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति के लिए साधु बनकर जंगलों में चला गया। धीरे धीरे नए राजा ने राज्य का सारा भार अपने ऊपर ले लिया और बहुत अच्छे से शासन करने लगा। राजमहल में एक गुप्त कक्ष था जिसके द्वार पर एक बड़ा सा ताला लगा रहता था और नए राजा इस ताले की चाबी सदैव अपने पास रखते थे। हर हफ्ते एक दिन राजा उस कमरे का ताला खोल देता और आधा घंटा उसमें बिताकर फिर से ताला लगा देता। राजा उस चाबी को कभी किसी को छूने नहीं देता था। अगर कोई उसे छूने की कोशिश करता तो राजा को गुस्सा आता। सेनापति, कोषाध्यक्ष और सभी मंत्री बड़ी उत्सुकता से जानना चाहते थे कि उस कमरे में क्या हो सकता है। सबके मन में एक ही सवाल घूमता रहा कि आखिर खजाने की चाबी कोषाध्यक्ष के पास होती है, शस्त्रागार की चाबी सेनापति के पास होती है और जिस कमरे में सभी जरूरी दस्तावेज रखे होते हैं उसकी चाबी मंत्री के पास होती है, तो राजा उस गुप्त कमरे की चाबी अपने पास क्यों रखता है और आखिर इसमें ऐसी कौन सी कीमती चीज़ है जो राजा किसी को बताता नहीं। उन सबकी लाख कोशिशों के बाद भी राजा ने उन्हें कभी नहीं बताया कि उस कमरे में क्या है। उन सब ने जाकर यह समाचार रानी के कानों तक पहुंचा दिया। रानी को भी कौतूहल हुआ कि ऐसी कौन सी रहस्यमयी बात है जो राजा अपनी पत्नी से भी छुपा रहा है। रानी ने उस रहस्य को जानने के लिए राजा को पकड़ लिया। रानी ने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया। अंत में राजा को स्त्रियों की कुटिया के सामने हार माननी पड़ी। राजा, रानी, मंत्री और सभी पार्षदों के साथ उस कमरे के पास पहुंचे और पहली बार सबके सामने उस कमरे को खोला। देखकर सभी हैरान रह गए क्योंकि उस कमरे में दीवार पर टंगे एक फटे पुराने कपड़े के सिवा कुछ भी नहीं था। मंत्री ने फटा हुआ कपड़ा हाथ में लेकर राजा से कहा, महाराज, इस फटे कपड़े के सिवा यहाँ कुछ नहीं है। तब राजा ने कहा कि यह मेरा सब कुछ है। जब भी मुझे किसी बात पर गर्व होने लगता है या जब मैं ये सोचने लगता हूँ कि मैं औरों से बेहतर हूँ तो मैं इस कमरे में आकर अपने इन फटे पुराने कपड़ों को देखता हूँ और मुझे याद आता है कि जब मैं इस हालत में आया था तब मेरे पास इसके सिवा कुछ नहीं था और मेरा सारा अभिमान मिट जाता है। कहानी का पाठ। दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कैसे हम अपने अतीत को याद करके वर्तमान में गलतियां करने से बच सकते हैं। समय हमेशा बदलता रहता है इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर हमारे पास आज सब कुछ है तो वह हमेशा के लिए नहीं रहेगा, इसलिए हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए।